पहला दिन है बाबा। माला आशीर्वाद दे। चैंपियंस, प्लीज वेलकम ज्ञान मोरे, अपनी टीम के नए चैंपियन। ज्ञान हमारे सर्विस टीम में स्टेज वन पे काम करेंगे और जैसा कि आप सब लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से मुझे प्राउड फील करवाया है, आई नो ज्ञान भी ऐसा ही करेंगे। क्यों ज्ञान? आई विल डू माई बेस्ट सर। बेस्ट नहीं, ये अपने बेस्ट से भी बेस्ट देंगे। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नए चैंपियन का। सुज्ञान, यहां आकर आपको पता चलेगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत परफेक्ट जॉब से की है। और इस जॉब को बढ़िया सिर्फ काम नहीं, मेरी टीम बनाती, ये चैंपियंस बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम ये आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी। तो मुझे यकीन है कि तुम इस कंपटीशन में बेहतर करो। डेफिनेटली सर, ऑल द बेस्ट। आई प्रॉमिस कि तुम्हें यहां काम करके मजा आएगा। ओके सो एवरीवन, बैक टू वर्क। और ज्ञान, मिस्टर विक्रम तुम्हें तुम्हारा काम समझा दें, गो अहेड। चाहे जितने चैंपियंस ले आए ये लोग, बट चैंपियन ऑफ चैंपियन मैं ही रहूंगा। देखो रेस में तू अकेला नहीं है, मैं भी तो हूं। बे हम दोनों काम करते, चल मेरे डिलीट कर। मिस्टर ज्ञान, वी आर वर्किंग हियर फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। हम यहाँ बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सेंट्रलाइज केपीओ चलाते हैं और ये केपीओ गवर्नमेंट के लिए काम करता है। हम इससे गवर्नमेंट को आप सारे सिटीजन्स का बैंकिंग डाटा प्रोवाइड करते हैं और साथ ही अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कस्टमर को, उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। ओके, तुम्हारे पास रोज एक लिस्ट आएगी, उसमें सारे कस्टमर्स का कॉन्टेक्ट नंबर और नाम होगा। तुम्हें सिर्फ कॉल करके ये पता करना है कि कौन सा कस्टमर किस बैंक के साथ डील कर रहा है। ठीक है सर। इससे हम गवर्नमेंट को ये डाटा दे पाएंगे कि कौन सा बैंक कितने कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, ताकि बैंक्स की रेटिंग की जा सके। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड सर। इन ए वे हम कस्टमर्स को इन रेटिंग के थ्रू ये बता रहे हैं कि उनके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा। एग्जैक्टली, ताकि लोग सही जगह पैसा रखें और ज्यादा रिटर्न्स भी पाए और उनका पैसा भी सेफ रहे। जितना आसान ये काम है उतना रिस्पॉन्सिबल भी है। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है बहुत कॉन्फिडेंशियल, इससे कोई किसी के साथ कुछ गलत भी कर सकता है। तो मेक श्योर कि इन्फॉर्मेशन तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करो। डोंट वरी सर, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है क्या। All the best for your first day. Thank you so much. तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारा पहला दिन का लिस्ट मिल जाएगा। जी सर। Thank you sir. या सुधीर जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप आखिरी बार बैंक कब गए थे। हाँ, अरे सर, थैंक यू फॉर योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा बैंक आपको जल्दी कॉल करेगा। पहली कॉल है, किसको करूं? लकी नंबर 5, 5 पे करते हैं। रमाकांत सिंह। कह रहे थे मामा से हमने बात कर लिया, दीदी को ले आएंगे हम अगले हफ्ते। अच्छा अच्छा, तुम्हारा फोन लग रहा है। देखो अच्छा, एक एक दो देख। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम ज्ञान मोरे है।
ये कॉल आपको गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड के लिए की गई है। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन सी बैंक से डील करते हैं? मैं ICICI बैंक से डील करता हूँ। कोई बात है क्या? नो सर, बस इतना ही जानना था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हमने तुमसे कितनी बार कही है अपने बारे में, अपने बैंक के बारे में मत बताया करो किसी को। बैंक का नाम बताया है, कोई बैंक डिटेल थोड़ी ली। लेकिन फिर भी पापा थोड़ा तो ध्यान। क्या फिर भी, बैंक का नाम जान के क्या कर लेगा वो? अरे मैं ये कह रहा हूँ अपने। अरे हमें सिखाओ मत। मिस्टर रमाकांत की डिटेल सबमिट कर देता हूँ। मिस्टर रमाकांत सिंह ICICI। वेरी गुड यार, स्पीड है भाई के काम में। अभी ये इंफॉर्मेशन स्टेज टू को भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, हैव अ गुड डे सर। न्यू क्लाइंट सेव कर लेता हूँ, रमाकांत। तो 7 दिन के बाद कॉन्टेक्ट करना है। अच्छा पापा, मैं क्या कह रही थी, सब्जी भी ले लेता है ना। हाँ, तू ले ले। हेलो हेलो मिस्टर सतीश कुमार जी, आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन सी बैंक से डील करते हैं? अरे किसी भी बैंक से डील करता हूँ, तुम्हें उसे क्या लेना देना। रखो फोन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, किसे डांट रहे हैं? अरे वो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कोई काम नहीं है उनको, बस हम जैसे लोगों को पकाते रहते हैं। पापा सर, इतने भैया 20 रुपए। चलो 20। थैंक यू। आ जा बेटा। उसने यार एक कस्टमर था, बड़े अजीब से बात कर रहा था। अरे डोंट वरी, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। क्लाइंट परेशान रहता है, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो उसको, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। तू थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कर, वो डेफिनेटली तेरा कॉल उठाएगा और सारे आंसर्स भी देगा तुझे। थैंक यू यार। एक तो मैं अपने जनरल स्टोर को शुरू करने को लेके परेशान हूँ, सेविंग्स भी कम पड़ रही है, बैंक में लोन की अर्जी दी है, उसकी मंजूरी का तो फोन आता नहीं और ये बेफालतू के फोन चले जाते हैं। फो, आपको कितनी बार कहा है गुस्सा मत किया करो, मुझसे में ना अक्सर गलतियां हो जाती है। आप शांति से बात किया करो, शांति से बात करने में ही हल निकलता है। क्या बोलता है, बोला था ना मैंने, नंबर रखी अभी। ज्यादा खुश मत हो, तू बस देख, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं ही चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनूंगा और इस बार तो साथ में इंसेंटिव बोनस भी लेके जाऊंगा। लेकिन आज बियर मैं ही पीऊंगा। चल चल, तेरे को पिलाता हूं। अरे आजा यार। आया। हाय रोमा। इतना वेट कराया तुमने मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यार रोमा ऐसा मत बोलो यार, पहला दिन था मेरा ऑफिस में आज, अगर आज से मैं ऑफिस से जल्दी निकलूंगा तो मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा और फिर तुम्हारे बाबा मुझे तुम्हारी जिंदगी से। याद है ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था, मेरी बेटी ये शादी करनी है तो जॉब ढूंढ के लाओ। मेरा मतलब सॉरी, अब तो जॉब मिल गई है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
आई लव यू। यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑफिस में कोई नई मिल गई है तुम्हें? तो पहले दिन कौन मिल जाएगी? मतलब दो चार दिन हो जाते तो तुम्हें मिल जाती कोई? अरे यार मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कल जाके सबसे पहले बाबा से मेरी नौकरी के बारे में बता देना। हाँ हाँ बता दूंगी, मुझे पता है। अच्छा ये बताओ पहली सर्विस मेरे लिए क्या गिफ्ट? लो जी आ गया तुम्हारा घर। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय। अरे सिर्फ बाय? किस्त तो बनती है यार। अच्छा हाँ मतलब अब शादी होने वाली है हमारी। हुई तो नहीं है ना, जब हो जाएगी तब देखेंगे, तब तक के लिए बाय। अच्छा सुनो एक वो फ्लाइंग किस दे दो। राजा भाई कहाँ रह गया? आ गया। शांतनु आज कितने कॉल किए गए और क्या रिस्पांस था? रिस्पांस तो अच्छा ही रहा यार, मन लग गए। जल्दी ही कुछ नया सोचना पड़ेगा। जब तक ये खेल चल रहा है चलने दे, बाद में सोच लेगी कुछ अलग। ये बात भी सही है, आज के दिन भी 13 लाख का फ्रॉड किया हमने। क्या बात। वैसे एक बात बोलूं, पिछले कुछ हफ्तों की काउंटिंग करी है मैंने, और यार मेरे को लग रहा हम लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं। एक एक कस्टमर को फंसाने में एक एक हफ्ता लगा रहे हैं। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि बस एक के बार में काम हो जाए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, साइकोलॉजी की, सब दिमाग का खेल है। एक बार में करने की सोचेंगे ना तो सवाल उठेंगे, शक पैदा होगा, इसलिए हम एक क्लाइंट से पहले दिन सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, फिर उसी सवाल से रिलेटेड दूसरा सवाल पूछते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरह हमारे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिससे क्लाइंट को शक भी नहीं होता है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि जो कॉल आया है उसके पास वो बैंक का ही है, क्योंकि हमारे पास उनकी वो सारी सच्ची इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर वो हमारे जाल में फंस जाते हैं। शादी करने वाला उससे। लड़का सीरियस है, हम कभी नहीं होते ना। तुम लोग सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग सर। हाँ संदीप जी, हाँ समझ गए, हाँ हाँ हो जाएगा। क्या बोला संदीप जी ने? क्या बोलेंगे वो हैं? पहले जब रिश्ते की बात चली थी तो बोले थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हैं हमें पढ़ी लिखी बहू मिल रही और क्या चाहिए, और अब फिर से कुछ मांग लिया क्या संदीप जी ने? अरे अब धीरे धीरे करके तो सब मांग ही लिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हमने बिटिया के नाम से बीमा पॉलिसी ले ली थी, उसी की रकम से उसका अच्छे से ब्याह हो जाएगा, वरना तो बस। पापा देखो कॉलेज से लेटर आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, 15 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। चिंता मत कर, हो जाएगा। तू जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा ये सब, इतना पैसा कहाँ से आएगा? वही तो सोच रहा हूँ, अब बेटी की शादी का दहेज दूं या बेटी को आगे पढ़ाऊं, अब इसमें तो एक ही काम हो सकता है। हेलो जी सर, मैं ICICI बैंक से केतन रस्तोगी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आई नो कि आप हमारी बैंक के साथ डील करते हैं,
तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम हमारी बैंक में कब विजिट किया था और किस लिए किया था? हम परसों ही तो बैंक गए थे। वो हमारी 15 लाख की बीमा पॉलिसी है ना, वो मैच्योर हो रही है, उसी के सिलसिले में आए थे। क्यों सर, द इन्फॉर्मेशन इज फॉर बेस्ट सर्विस ओनली। सर आई होप वी विल सर्व यू बेटर इन फ्यूचर। थैंक यू सर। ये क्या है पापा, किससे बात कर रहे थे? किसको अपने बीमा के बारे में बता रहे थे? अरे अपने बैंक से ही फोन था। आपको कैसे पता अपना ही बैंक था? रोज इतने मैसेजेस आते हैं कि हमारा बैंक आपसे कुछ नहीं पूछता है, किसी को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ना दे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रांच में जाके अपडेट कराएं। अरे भाई उसने पूछा कि आखिरी बार बैंक कब गए थे, मैंने अगर बता दिया तो क्या हो जाएगा? हमने कोई उसे बैंक का अपना अकाउंट नंबर या बीमा पॉलिसी थोड़ी बताई। अरे पापा तुम समझते नहीं हो यार, ये ऐसे ही तो हो जाता है। अरे यार तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। यार पापा आपको ना कुछ समझाना। अरे बेटा मैं समझा लूंगी, तू चल खाना खा, चल मैं समझा दूंगी। लास्ट विजिट 2 दिन पहले का है। 15 लाख का बीमा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, इतना क्यों मुस्करा रहा है? उसने यार ये क्लाइंट का नाम सुनो, पोपटलाल मरवाले। क्या बात कर, मरवाले। अच्छा ये नाम सुन के तो कह सकते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो। अच्छा चलो अभी लंच हो गया है। और पता है क्या, सिर्फ नाम ही नहीं, कुछ कस्टमर्स नाम की तरह अजीब होते हैं। हम साला कुछ पूछते हैं वो कुछ और ही बता रहे होते हैं। अरे मैंने एक कस्टमर से पूछा सेक्स, बोलता है डेली हैबिट में। फिर मैंने उसे समझाया मेल या फीमेल, तब समझ आया उसे। यार लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं होता, मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ कस्टमर को कॉल करके कि आप कौन से बैंक से डील करते। वो इसीलिए क्योंकि तू अभी पहली स्टेज पे है, जब तू दूसरी और तीसरी स्टेज पे आएगा ना तब तुझे वो पूछना पड़ेगा जो हम पूछते हैं। अरे कोई नहीं आ जाएगा। तू ये बता खाने में क्या लाया है? हाँ। अरे यार ये अकेले अकेले खाया मत। अबे तू पागल है, वो मेरे लिए लेके आया है। अबे तेरे खास दोस्त, वो पहले मेरा दोस्त है, तू पहले मेरा दोस्त है। आई 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 वो रुमाई। तो बेटा आलिया अपने पापा के साथ तेरे बाबा से मिलने आई है। जा मिले, तुझे ही ढूंढ रहे हैं। आई वो मेरे नौकरी का सुन के खुश होंगे ना? बिल्कुल होंगे। औषधम जी सुख दुख यही तो जीवन की कहानी है, ईश्वर ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी हम चलते हैं, ध्यान रखो अपना। ये तो है भरत। इतने जल्दी अंकल आप? हाँ कुछ जरूरी काम था। ठीक है मन तो ओके, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आओ जाओ। जल्दी आऊंगी मिलने। जी अंकल। ज्ञान बेटा मामा बता रही थी तुम्हारे नए जॉब के बारे में। जी अंकल बहुत ही अच्छी जॉब है, मेरे बॉसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। है तो वो कॉल सेंटर की नौकरी ना, कितना कमा लेते हैं अंकल? पर इंसेंटिव भी मिलता है। और जिस दिन आगे बढ़ने हुआ तो इंसेंटिव नहीं मिलती। देखो बेटा मैं तुम्हें निराश करना नहीं चाहता, मम्मी क्या मन तो तुम एक सरकारी नौकरी ना सही, कम से कम परमानेंट जॉब तो ढूंढ लो वरना रोमा को भूल जाओ। रोमा बेटा। जी पापा। ले बेटा। हेलो चैंपियंस। हेलो सर। तो कैसा चल रहा है मेरे दोस्तों? ऑसम। आई एम श्योर इट्स ऑसम, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो भी ऑसम है। इस वक्त मेरे हाथ में जो लिफाफा है इसमें नाम है
हमारे इस वीक के चैंपियन ऑफ द चैंपियंस का। एज यूजुअल हमने दो दिन पहले ही अपने टॉप 5 नाम देना बंद कर दिया था और उस वक्त रमेश वॉज ऑन टॉप। थैंक यू सर। लेकिन पिछले 2 दिनों में सभी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग रमेश। लेकिन ऑनेस्टली इस वक्त मुझे भी नहीं पता कि इस एनवेलप में इसका नाम है। सो लेट्स सी कि कौन बना है इस हफ्ते का चैंपियन ऑफ द चैंपियन। इस वीक का चैंपियन ऑफ चैंपियन है मिस्टर केतन। वैसे इस बार से स्टेक्स बढ़ गए हैं। आप सभी के इंसेंटिव 5% से बढ़ाकर 10% कर दिए गए। आप सभी जानना चाहेंगे कि केतन का 10% के हिसाब से इंसेंटिव कितना हुआ है? यस सर। पूरे 50,000 रुपए। कम केतन। सो गाइस, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यस सर। सो गिव योर बेस्ट एंड अर्न इवन बेटर। केतन से पार्टी लेना मत भूलना। सबको पार्टी मिलेगी। चलो चलो बैक टू वर्क। यस सर। यार तूने इंसेंटिव का अमाउंट सबके सामने बता दिया, मेरे को तो बता देता, पर चेक भी ले आया तू। तूने अमाउंट सुनने के बाद उनका रिएक्शन देखा? जितनी ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा होगी ना उनकी, उतनी ज्यादा वो मेहनत करेंगे, और जितनी ज्यादा वो मेहनत करेंगे ना उतनी हमारी तरक्की। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। एक कॉफी लेके आना। हाय। हेलो बेटा, तेरे पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। क्या हुआ पापा को? सब ठीक तो है? मैं हॉस्पिटल आऊं अभी? नहीं नहीं, अब ठीक है वो, हम घर पे भी आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और बेटा 5 लाख का खर्चा आएगा। अरे क्यों खाली बैठा है भाई, काम खत्म हो गया क्या? बोल कुछ। सब खत्म हो गया। मेरा भी बस हो ही गया, एक लास्ट कॉल उसके बाद हम चलते हैं लंच करने, ठीक है? हाँ भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। पापा, आज आपकी टर्न है चंपी की, आइए। हाँ बेटा, मैं आया। समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या करूं? गांव की जमीन बेच दी, दोस्तों से कर्जा भी ले लिया, फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं, पर बैंक वाले हैं लोन देने का नाम ही नहीं लेते। लगता है तेरी माँ का सपना पूरा नहीं होगा। पापा आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड। हेलो। हेलो सतीश कुमार जी। जी मैं CCI बैंक से केतन रस्तोगी बात कर रहा हूँ। सर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ आप पिछले 12 सालों से हमारे बैंक के साथ डील कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। सर हम अपनी कस्टमर्स की सुविधा के लिए तत्पर हैं, ताकि हम आपको और अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सर क्या मैं जान सकता हूँ आपकी विजिट का रीजन क्या था? देखिए मैं एक जनरल स्टोर खोलना चाहता हूँ अपनी पत्नी के नाम पर, उसी के लोन के लिए गया था। तो सर आप बैंक के कर्मचारी की सर्विस से खुश थे या कोई कंप्लेन? खुश तो मैं तब होता जब मेरा काम हो जाता। सर मैं समझा नहीं, कैन यू एक्सप्लेन मी, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर मेरे बैंक के लोन की अर्जी मंजूर हो जाती तो। जी सर मैं समझ गया, आई एम अपडेटिंग हियर। उम्मीद करता हूँ आपका काम हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जनरल स्टोर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। बेटा तूने सही कहा था, अपना जनरल स्टोर जल्दी खुल जाएगा, तेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा।
सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देता हूँ। ठीक है यार अकाउंट्स। डॉक्टर ने कहा है उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और बेटा 5 लाख का खर्चा आएगा। सर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। सर मैं डायरेक्ट लेवल 3 पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। मुझे सुनकर अच्छा लगा ज्ञान कि तुम ग्रो करना चाहते हो, लेकिन एक चिड़िया का बच्चा भी सही वक्त आने पर ही उगना सीखता है। और तुम्हें भी ज्वाइन किए हुए इतना वक्त नहीं हुआ कि तुम सारा काम समझ सको। सो लेवल 3 पे काम करना तो अभी नॉट पॉसिबल। सर जब मैं कस्टमर कौन सा बैंक कितने साल से यूज कर रही है इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करता हूँ ना, तो वो लेवल 2 को ट्रांसफर होती है, जहाँ लेवल 2 के लोग कस्टमर से ये पूछते हैं कि वो आखिर बार बैंक कब गया और क्यों, और क्या वो अपनी बैंक की सर्विस से खुश है। इससे हम बैंक की सर्विसेज और उनके एम्प्लॉय को रेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लेवल 3 यानी रमेश की टीम के पास जाती है, जहाँ वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुन के उनके हिसाब से मॉडिफाई करके उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें ऑफर्स देते हैं। इतना ही तो है ना सर। सर मैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस में कम्पीट करना चाहता हूँ सर, इंसेंटिव कमाना चाहता हूँ ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। और तुम करोगे, कम्पीट भी और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी। आई एम इम्प्रेस्ड, यू विल फ्लाई सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसी क्या बात कर रहे हैं यार, उठा और सीधा अंदर। आ गया, आ गया। क्या हुआ ज्ञान, अचानक बॉस के जीवन में? वो भी बिना परमिशन के? हाँ क्या बात। बॉस ने प्रमोशन दिया है मुझे डायरेक्ट लेवल 3। क्या बात कर रहा है, कंग्रेचुलेशंस मैन। थैंक यू। लेकिन पर ऐसा क्या किया तूने यार? हाँ अब जो किया सही किया होगा, आलंच करते हैं। किया क्या इसने? मुझे खुद नहीं पता, पूछते हैं। मेरे को तो पहले दिन ही पता लग गया था, ये ज्ञान बड़े तेज दिमाग का लड़का है, बहुत बढ़िया काम करेगा। देखा कितना जल्दी सारा प्रोसेस समझ गया। इतना कुछ होने वाली बात नहीं शांतनु, ये तेज लोग हमारे धंधे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अरे तू फिक्र ना कर यार, सारे सॉफ्टवेयर मेरे हाथ के नीचे है, जब तक वो हमारे लिए खतरा बनेगा ना वो सॉफ्टवेयर उसके डेस्क पे रहेंगे और ना वो हमारे ऑफिस में। मुझे तो पापा से डर लगने लगा है ज्ञान, उन्होंने मेरे लिए लड़के ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पर वैसा क्यों कर रहे हैं, हमारी बात हुई थी ना? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, और उसके लिए तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं,
हम भाग चलते हैं। क्या तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अच्छा चलो मान लिया हम भाग के चले गए, कहाँ जाएंगे, कहाँ रखूंगा मैं तुम्हें? वो सब मुझे नहीं मालूम, बस जो भी हो तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। रोमा रोमा मेरे रोमा भी रोमा बेटा। आई पापा। हेलो हेलो रमाकांत सर, मैं आपके बैंक ICICI से रमेश रस्तोगी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। सर जैसा कि हमारी जानकारी में हमारे बैंक के साथ आपकी 15 लाख की बीमा पॉलिसी मैच्योर हो गई है और आप जल्द उसे विड्रॉ कर लेंगे। हाँ सर, बट हम उस पर आपको एक स्पेशल टॉपअप ऑफर दे रहे हैं। इस टॉपअप की वजह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सीधी डबल हो जाएगी। डबल मतलब 30 लाख रुपए? जी हाँ सर, और ये गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम है केवल सीनियर सिटीजंस के लिए। लेकिन सर आपको बता दूं कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। और सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पेपर वर्क के लिए हमारे ऑफिस आ सकते हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक। हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ, बैंक तो मेरे घर के पास है। नो सर, अपनी ब्रांच ऑफिस नहीं, आपको हमारे हेड ऑफिस जाना होगा। और सर उसका एड्रेस मैं आपको अभी आपके मोबाइल पर भेज रहा हूँ, प्लीज चेक कर लीजिए। जी आपका हेड ऑफिस तो हमारे घर से बहुत दूर है। अभी 3 बजे हैं। जाते जाते तो शाम हो जाएगी। और कोई तरीका है? आप किसी को मेरे घर भेज सकते हैं पेपर लेने के लिए? सर ये गवर्नमेंट योजना है, आपको तो पता ही है गवर्नमेंट का आदमी, आपको लगता है किसी आम आदमी के घर यहाँ पेपर कलेक्ट करने जाएगा? सर वैसे भी हमारे जितने भी स्टाफ हैं आप लोगों की हेल्प करने में बिजी हैं। तो फिर और कोई तरीका? सर तरीका है, आप ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं, आप तो जानते हैं हमारी सरकार ने सब ऑनलाइन मींस डिजिटल कर दिया है। यू नो सर डिजिटल इंडिया, बट जल्दी जल्दी करना होगा। बेटा हाँ मैं पुराने जमाने के आदमी और ये हमसे ये सब ऑनलाइन फॉनलाइन नहीं हो पाएगा बेटा। डोंट वरी सर, मैं गाइड करता हूँ, आप बस जल्दी जल्दी करते जाना, टाइम नहीं है वरना ऑफर हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज सर। हाँ सर सबसे पहले आप हमारा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। हाँ सर ऐप डाउनलोड हो गया। वेरी गुड सर, आप तो यंग जनरेशन से भी ज्यादा फास्ट हैं। अब मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आपके फोन में एक APK फाइल ओपन होगी, उसे इंस्टॉल कर लें। हाँ फिर उस ऐप में मौजूद लिंक पे 2000 रुपए पे कर दे। और सर थोड़ा फास्ट, हाँ जस्ट टाइम लिमिट है। जी 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 जी। हो गया बेटा। कांग्रेचुलेशन सर, आपका टॉपअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो अपना बैंकिंग पासवर्ड बदल सकते हैं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप सेफ रहें। ओके सर, हैव अ नाइस डे। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चा, सारी डिटेल्स अपडेट कर देता हूं। ये गया रमाकांत। आ गया मैसेज। थैंक यू मिस्टर रमाकांत। सावित्री। जी जी कहिए। अरे अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सारे काम हो जाएंगे सब अपने। वो कैसे? अरे भाई जो अपन ने 15 लाख की बीमा पॉलिसी ली थी ना। यार ये मैसेज भी कब काम होता है कब आता है नेटवर्क। अच्छा चलो छोड़ो, जो अपन ने बीमा पॉलिसी ली थी ना 15 लाख की, उस पर टॉपअप निकला है अपने 15 लाख के 30 लाख रुपए हो गए। 30 लाख? हाँ 30 लाख हो गए, सच बोल रहे हैं आप? अरे भाई हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी, बेटे का एडमिशन हो जाएगा, हमारे तो सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। अरे हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं कुछ मीठा बना के लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ,
ये फिर क्या है? इसका फोन आ गया सुबह सुबह। हेलो हेलो मिस्टर पोपटलाल मरवाले जी, मैं आपके एचडीएफसी बैंक से मिस्टर ज्ञान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप हिसार गांव के किसान है ना? अरे किसान तो हमारे दादा पुरखे हुआ करते थे, मैं तो यहाँ शहर में छोटे मोटे धंधे में लगा हूँ, बताइए। यस यू आर राइट सर, पर आपकी जो पुरखों की जमीन है उस पर किसान के तौर पर अब आपका हक है, तो सरकार की तरफ से मिलने वाली योजना पर भी आपका ही हक होगा। हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। जी सर, सरकार हर किसान को 5-5 लाख रुपए का लोन देने का वादा कर रही है, जिसके अगेंस्ट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। मतलब आपको सरकार को 0 इंटरेस्ट देना है। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आप बताइए, वरना मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं भैया, जब 5 लाख में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो ये मुझको दे दो, मैं अपने धंधे में लगा दूंगा, मेरी कुछ मदद हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसके लिए सर आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको हमारे हेड ऑफिस आना होगा। जी, अगर आप नहीं आ सकते तो आप इसे ऑनलाइन प्रोसेस भी करा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक नॉर्मल सा प्रोसेसिंग फीस भरना होगा जो कि है 500 रुपये। अरे 500 रुपये में जब काम हो रहा है तो ऑनलाइन ही कर दीजिए ना। ठीक है सर, तो मैं यहाँ से आपको एक लिंक भेज रहा हूँ सर, आप इसे अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। जी बिल्कुल, आप भेजिए, मेरा नंबर है, किसी को आने मत देना। हाँ। हाँ भैया हो गया, अब क्या करना है आगे? जी, इसमें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डालिए सारे। जी जी जी, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। हाँ भाई, कर दिया, आपको मिला? ओके सर। सर मैंने आपका फॉर्म यहाँ से प्रोसेसिंग पे डाल दिया है, आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। जी जी जी, जी देख रहा हूँ। अरे भाई रुका, तुमको बोल के गया हूँ, मेरा नंबर है। अरे यार जोर से रुको, जा थोड़ा सब्र कर ले। हो आए का फोन? आए। हेलो बेटा, तुझे पापा नंबर त्रास जला। मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आज ही अर्जेंट उनका सर्जरी करनी पड़ेगी। बेटा उसके लिए 3 लाख रुपए कम से कम जमा करने पड़ेंगे बेटा। 3 लाख? हाँ बेटा, बचा ले बेटा, तेरे बाबा को बचा ले, कैसे भी करके बचा ले तेरे बाबा को। आए देख, आए देख, तू देख, तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ यहाँ से। हाँ तू रो ना मत। हाँ ठीक। ज्ञान, ज्ञान क्या बात है, क्या हुआ? बोलना ज्ञान, घर पे कुछ हुआ क्या? बताया था ना तुम लोग, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उनको अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए। कहां से लेके आओ इतने पैसे यार? बहुत तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं ना, मेरी करेंगे क्या? करनी तो चाहिए यार, तू मांग के देख एक बार ट्राई कर यार, शायद कर दे। हाँ जा, ऑल द बेस्ट। पोपटलाल मरवाले का सारा पैसा अब क्या? तुम्हें कुछ काम है? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं आता हूं सर। क्या
ज्ञान ज्ञान क्या हुआ ज्ञान क्या हुआ इसे शायद पापा की तबीयत ज्यादा खराब होगी ऐसे नहीं देखे हैं मैंने पता नहीं इससे कुछ देखा तो नहीं पता नहीं यार तो मुझे यकीन है कि तुम इस कंपटीशन में बेहतर करो हेलो गुड आफ्टरनून सर मेरा नाम ज्ञान मोरे है क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन सी बैंक से डील करते हैं और ये पोपटलाल मरवाले का सारा पैसा अब मतलब ये विक्रम और शांतनु इतना बड़ा फ्रॉड करवा रहे हैं सबसे मुझे कुछ करना होगा ज्यादा नहीं बोल रहे हो ज्ञान बावड़ा हो गया कि भूल गया तेरे बॉस है हम रिलैक्स शांतनु ये हमारा चैंपियन एम्प्लॉय है दूसरों से बिल्कुल अलग दे दो उसे 3 लाख रुपए इसके अलावा कोई डिमांड नहीं शांतनु इसको 3 लाख रुपए दे दो लेकिन जरूरतमंद है मदद करना हमारा काम है देख ले पीनी है ना ज्यादा भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेहनत किया तुम्हारे ने कहा था ना शांतनु ज्यादा दिमाग वाला आदमी हमारे धंधे के लिए खतरनाक साबित होगा आई 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 मैं पैसे ले आया आई आई कुछ नहीं होगा पापा को मैं ले आऊं आई बाबा नहीं नहीं बाबा बाबा नहीं नहीं बाबा 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 क्रांति शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अभी अभी दो आदमियों के साथ एक अजीब घटना घटी है एक रिटायर्ड बुजुर्ग मिस्टर रमाकांत के अकाउंट से उनकी जिंदगी भर की कमाई किसी ने निकाल ली है और इस वजह से उनकी बेटी की शादी कैंसिल हो गई उनके बेटे का पढ़ाई का सपना टूट गया और वो इस सदमे को झेल नहीं पाए और इस वजह से हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और यही सेम फ्रॉड मिस्टर पोपटलाल मरवाले के साथ भी हुआ और वो ये बात झेल नहीं पाए और अभी अभी उन्होंने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो बने रहिए हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं सनसनी केस ओनली ऑन सिटी न्यूज धन्यवाद सब मेरी वजह से बाबा को तो बचा नहीं पाया बाकी लोगों को बचाना होगा मुझे पुलिस को बताना होगा
सर मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ बताना है आपको। पकड़ो इसे। एक मिनट सर, मैंने क्या किया सर? तुम्हारे घर से 3 लाख नकली नोट बरामद हुआ। नकली नोट? सर वो मेरे नहीं है सर, वो कंपनी के है सर। वो जो बोलना है थाने आके बोलो। ले चलो इसे। हमें आप जैसे होनहार स्टाफ की तलाश थी और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अपनी कड़ी मेहनत से हमारी संस्था को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ले जाएंगे ना आप? यस सर। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, बिल्कुल मुफ्त।